तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में हमें शुरू करना है किसके बारे में। तो हमें शुरू करना है फोटोसिस्टम। हमने लास्ट लेक्चर में ड्रॉप किया था, तो इसको पढ़ते हैं। देखिए, फोटोसिस्टम जो होता है, ये ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल होते हैं जो कि सराउंडेड होते हैं बाय द प्रोटीन लेयर, विच इज़ सराउंडेड बाय प्रोटीन लेयर। यानी प्रोटीन लेयर जो होती है वो इनको सराउंड करती है, ठीक है। फोटोसिस्टम को प्रोटीन लेयर सराउंड करती है इन्हें। चलो अब मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊं, तो अगर मैं इनका पोजीशन बताऊं, तो ये अगर तुम्हारा एक थाइलाकॉइड है, ये तुम्हारा लुमेन बन गया, तो यहाँ पे होता है एक फोटो जिसे सिस्टम जिसे तुम कहते हो PS2, और यहाँ पे जो होता है ये एक फोटो होता है जो कि होता है तुम्हारा PS1। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, ये PS2 PS1 में ज़्यादा पहले कौन सा काम करता हुआ है? नाम से देख के क्या लग रहा है तुम्हें, PS1 लग रहा है? बिल्कुल गलत, ये अच्छा सही नहीं है। PS2 जो होता है वो ज़्यादा पहले काम करता है एज़ कम्पेयर टू PS1। PS1 जो है वो बाद में आता है, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से ही निकलते हैं और ये किसके कॉम्प्लेक्स के थ्रू होते हुए जाते हैं इसमें और फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं। यानी कि पहले PS2 में काम करता है फिर PS1 में काम करता है। और अब बाकी चीज़ बहुत चीज़ें बतानी है तुम्हें। चलो अरे ये क्या कर दिया मैं, तो देखो अब देखते हैं हम किसे। ये दो तरीके होते हैं PS2 PS1। देखो PS1 जो होता है ना, PS1 इसके बारे में बता दूँ तो आउटर साइड ऑफ ग्रेनल लैमली में होती है। ग्रेनल लैमली इसे कहते हैं, इस पूरे रीजन को हम कहते हैं ग्रेनल लैमली। और इसी के आउटर साइड में यहाँ पे देख सकते हो तुम, आउटर रीजन में है। वहीं जो PS2 जो है वो है तुम्हारा इनर साइड ऑफ ग्रेनल लैमली, इनर साइड ऑफ ग्रेनल लैमली, ठीक है। चलो बात करते हैं किसके बारे में, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। मैंने देखो यार ट्रायंगल बनाया था, तो वैसे ये ट्रायंगल बनाते हैं, ये ऐसे ये ऐसे। यहाँ पे सबसे ऊपर की लेयर पे कुछ टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, क्लोरोफिल, ये सब क्लोरोफिल है, तुम देख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल, तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के तुम्हें क्लोरोफिल देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ ऐसे 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 ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ कॉपी, नहीं इसको करता हूँ कॉपी और डुप्लीकेट कर देता हूँ, और इसके कलर को मैं चेंज कर देता हूँ और यहाँ ला देता हूँ कुछ इस प्रकार। फिर इनको डुप्लीकेट कर देता हूँ और इन्हें ला देता हूँ ऐसे। फिर डुप्लीकेट कर देता हूँ और इनके कलर को चेंज कर देता हूँ कुछ रेड, नहीं ग्रीन, ग्रीन अच्छा लगेगा। फिर थोड़ा साइज़ भी छोटा कर देते हैं, फिर इनको डुप्लीकेट करके थोड़ा ग्रीन, फिर इनको डुप्लीकेट करके थोड़ा वाइट बना देते हैं, थोड़ा नहीं रेड आ गया पिंक, ठीक। ये हो गया तुम्हारा एक और लेयर जो कि ज़रा बाहर जा रहा है कोई नहीं, और फिर डुप्लीकेट करके एक और लेयर बना दिया मैंने, तो 1 2 3 4। और अब जो है ज़रा फिर डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट और थोड़ा छोटा और ज़रा कलर इसका ब्लू, फिर डुप्लीकेट कर देते हैं। और बेसिकली 5 तरीके के क्लोरोफिल होते हैं, तो यहाँ पे देखो अलग अलग कलर के मैंने क्लोरोफिल बना दिया है, ठीक है। तो एक और बना देते हैं, 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 और ये बन गया, ठीक है। अब ज़रा इसको फिनिशिंग कर दें, तो यहाँ पे फिनिशिंग हो जाएगा कुछ इस प्रकार। और ज़रा यहाँ पे रेड पेन ज़रा चला देते हैं ताकि ये जो है फिलअप हो जाए गैप जो भी है यहाँ पे, ठीक है। चलो सही है। अब देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो 5 अलग अलग प्रकार के क्लोरोफिल देखेंगे। इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, पूरे सिस्टम को अगर मैं डुप्लीकेट कर दूँ, तो ये देखो ये हो गया तुम्हारा, ये यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको नाम दे दूँगा, क्या इसको मैं नाम दे दूँगा तुम्हारा PS1, और इसको नाम दे दूँगा मैं PS2।
ठीक है, ये हो गया तुम्हारा PS1, ये हो जाएगा तुम्हारा PS2। इस रीजन को, किस रीजन को भाई साहब, तो इस रीजन को आप क्या कहेंगे दोस्त, इस रीजन को आप कहेंगे एंटीनी। क्या कहेंगे? एंटीनी। इसी को आप ALHS कहेंगे, लेफ्ट हार्वेस्टिंग सिस्टम, सॉरी लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, सॉरी तो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब ये क्या है लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम? देखो, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम पे जो है जो रेज होते हैं वो डायरेक्टली पड़ते हैं। तो रेज किस कलर के होते हैं? येलो, मतलब है तो वाइट है लेकिन दिखते तो येलो है ना, तो यहाँ पे रेज को फॉल ऑफ कर दिया हमने। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इन सभी क्लोरोफिल के लेयर्स का नेमिंग कर देता हूँ। ये जो ऊपर वाला तुम्हें दिख रहा है PS1 के अंदर में, वो होता है तुम्हारा क्लोरोफिल ए 660, ये होता है तुम्हारा क्लोरोफिल ए 670, और ये होता है तुम्हारा क्लोरोफिल ए, ये 680 होता है, ये होता है तुम्हारा क्लोरोफिल ए, और ये 690 होता है, और ये क्लोरोफिल ए, ये 690 के बाद 700, तो NM, सब NM है। अब ये क्या है 680 690? बेसिकली ये क्लोरोफिल ए है जो कि 660 नैनोमीटर के लाइट्स के वेवलेंथ को एक्सेप्ट करता है, ये 670 नैनोमीटर के, ये 680 नैनोमीटर के, ये 690 नैनोमीटर के, और ये 700 नैनोमीटर एंड अबव के वेवलेंथ को वाले लाइट्स को क्या करता है, रिसीव करता है। चलो अब मैं बताता हूँ तुम्हें, ये जो तुम्हारा, तुमने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये वाले, ये इसको कहते हैं RC। RC मतलब ये होते हैं तुम्हारे रिसीविंग RC, यानी कि सॉरी रिएक्शन चैनल रिसीविंग क्यों लिख रहा हूँ, रिएक्शन सेंटर, ठीक है, ये होते हैं तुम्हारे रिएक्शन सेंटर। अब क्या छूटा है देख लो। अच्छा, यहाँ पे इसी प्रकार यहाँ पे भी मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे तुम इसको कहोगे क्लोरोफिल बी 650। बस अभी फिर यहाँ पे क्लोरोफिल आना शुरू, क्लोरोफिल ए 650, यहाँ आ जाएगा क्लोरोफिल बी 70, फिर यहाँ पे आ जाएगा क्लोरोफिल बी 676, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल ए 680। ये इसका मतलब कि ये 680 नैनोमीटर का, ये 676, ये 670, ये 650, ये 650। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ की जो रिसीविंग चैनल है वो 680 नैनोमीटर के लाइट को कवर कर रही है या फिर एक्सेप्ट कर रही है, और यहाँ यानी PS2 वाली जो है वो 700 नैनोमीटर यानी लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, तो PS2 वाली जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ को कर रही है एक्सेप्ट, जबकि PS1 जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ को कर रही है एक्सेप्ट, जबकि यहाँ पे PS2 जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ को एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ तुम्हें कुछ चीज़ें कि यहाँ पे ये भी इसका रिसीविंग चैनल है, तो मैं बता दूँ तुम्हारी जानकारी के लिए, रिएक्शन सेंटर है इसका भी, रिएक्शन चैनल ये सेंटर ये, इसका भी यही है, मतलब दोनों को ही हम रिएक्शन सेंटर ही कहते हैं, इसको भी रिएक्शन सेंटर ही कहते हैं। ठीक है, तो और कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं। अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ बताना भूल गया हूँ कि फोटोन यहाँ से नहीं आते हैं, फोटोन ये आते हैं ऐसे, तो इसको मैं वाइट से डिनोट कर दे रहा हूँ। ये फोटोन आ रहे हैं, यहाँ पे भी फोटोन है, यानी लाइट रेज आ रही हैं, और इनको तो तुम फोटोन कहते हो, फोटोन, ये देख लीजिए, यहाँ पे भी फोटोन, ये देख लीजिए, ठीक है, तो ये फोटोन आ रही हैं। अब यहाँ पे LHS हो गया, RHS हो गया, नहीं सॉरी RHS कहाँ हो गया, LHS हो गया, लेकिन LHC क्या होता है, LHC जो होता है वो होता है LHS प्लस RC, यानी कि रिएक्शन सेंटर प्लस LHS, यानी कि एंटीनी, एंटीनी को ही तो LHS कहते हैं,
तो एंटनी या फिर LHS का लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम प्लस RC जो होता है वो होता है तुम्हारा LHC के बराबर। किसके बराबर? LHC के बराबर होता है। ये बना होता है LHS प्लस क्लोरोफिले या क्लोरोफिले के RC का। यहाँ पे भी वैसे ही होता है, यहाँ पे भी तुम इसी को क्या कर सकते हो, क्लोरोफिल इसी को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। चलो अब मैं बताता हूँ, कुछ है तो नहीं, तो यहाँ पे ये बताओ शॉर्टर कौन वेवलेंथ रिसीव करेगा, तो शॉर्टर वेवलेंथ ये रिसीव करेगा PS1 वाई PS2 सॉरी, और ये जो है ये लॉन्गर वेवलेंथ को क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो यहाँ पे मैंने इतना डिफरेंस तुम्हें बता दिया है। अब ज़रा आगे चलते हैं, और ये बस फोटो सिस्टम इतना ही था जो कि मैंने तुम्हें पूरी तरीके से अच्छे तरीके से बता दिया है। अब देखते हैं रेड ड्रॉप और इमर्शन इन्हेंसमेंट इफेक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है नाम इसका, तो उसको नाम को भी इसी से लिखते हैं जिसका नाम है रेड ड्रॉप, और क्या कहेंगे इमर्शन इन्हेंसमेंट इफेक्ट। रेड ड्रॉप और इमर्शन इन्हेंसमेंट इफेक्ट ये क्या होता है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये जो तुम रेंज देख रहे हो ना, इस रेंज में ये 600 है, ये तुम्हारा 650 है, ये तुम्हारा 680 है, ये तुम्हारा 760 है। देखो 650 से 680 सॉरी 760 तक ये जो रेंज होता है ना तुम्हारा, ये होता है तुम्हारे कौन से कलर की वेवलेंथ होती है इस रेंज में, सोचो, सोचने वाली बात है। तो इस रेंज में होती है तुम्हारी रेड कलर की वेवलेंथ, ये रेड कलर यहाँ पे इस रेंज में होता है। और तुम देखोगे कि तुम्हारा जो PS1 है ना, क्या कह रहा हूँ मैं, देखो ओवरऑल ये तुम्हारा PS1 जो है वो 660 से 700 कवर करता है, ये 650 से 680 कवर करता है। तो बेसिकली QI इज मैक्सिमम 600 से 680 यहाँ पे। अभी QI क्या है, तो ये QI है क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगा बताओ, जहाँ पे रेंज जो होगा इनका होगा। तो बेसिकली 600 से 680 तक तो रेंज इनका मिल रहा था, तो यहाँ पे मैक्सिमम है QI जो होगी, यानी क्वांटम यील्ड जो होगी वो मैक्सिमम होगी। लेकिन ड्रॉप कहाँ कर रही है, तो ड्रॉप जो कर रही है वो कर रही है अपनी रेड रीजन में। तो मैंने थोड़ा गलत बना दिया है इसको, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, तो ये यहाँ तक ड्रॉप कर रहा है ये अपना रेड रीजन में, इसीलिए इसको कहते हैं रेड ड्रॉप। बस QI स्टार्ट डिस्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग फ्रॉम द 680। अरे नहीं भाई, ये तो सही मैंने बनाया था। तो ये जो है डिक्रीज करना स्टार्ट करता है 680 से, तो इसीलिए यहाँ पे रेड रीजन में ये जो है ना डिक्रीज करना स्टार्ट करता है, इसीलिए इसको रेड ड्रॉप कहते हैं। स्टार्ट डिक्रीजिंग इन रेड कलर रीजन, रेड रीजन में क्वांटम विल डिक्रीज, हेंस वी से रेड ड्रॉप। हाइपोथेटिकल डाटा टू लर्न, कुछ हाइपोथेटिकल डाटाज हैं जिसे हमें याद करते रहने हैं, कि कौन कौन से हाइपोथेटिकल डाटाज हैं ज़रा देखते हैं। तो ये देखिए हाइपोथेटिकल डाटा, देखो हाइपोथेटिकल डाटा टू लर्न है कि इफ़ वी गिव प्लांट लाइट अ वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली 680 नैनोमीटर का, तो जो क्वांटम यील्ड होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो अगर हम देंगे 680 nm का, तो क्वांटम यील्ड जो होगी वो मैक्सिमम होगी। वहीं अगर मैं दूं 680 से कम का, nm से कम का दूं, तो क्वांटम यील्ड जो होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी, यानी डिक्रीज़ कर जाएगी। मान लो अगर यहाँ पे मैक्सिमम पे 200 था, 200 O2 दे रही थी, यहाँ पे जो है थोड़ा कम देने लगेगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। लेकिन वहीं अगर मैं इसको इंक्रीज़ कर दूं, मेन मामला इंक्रीज़ पे ही है, तो अगर मैं इस 680 nm को बढ़ा दूं,
ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ देने लगूँ तो ये केवल 85 ओटो देगी, यानी ऑप्टिमम इसकी 680 है, यहाँ मैक्सिमम देगी 680 से ऊपर जाएगा तो कम हो जाएगी इसकी यील्ड, तो इसीलिए क्वांटम यील्ड कम हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर मैं 680 और एंड 680 से ऊपर दूँ तो इसकी क्वांटम यील्ड जो होगी ना वो मेरी 350 तक या फिर 340 तक पर सेकंड पहुंच सकती है क्वांटम यील्ड। नाउ हियर प्लांट यील्ड इज़ वेरी मच हायर एंड दैट इज़ नोन एज इमर्शन इन्हेंसमेंट इफेक्ट। तो इसी को हम कहते हैं इमर्शन के इन्हेंसमेंट। इमर्शन का मतलब क्या होता है तो मैं बता दूँ, तो मैंने बताया था इमर्शन एक साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पे रखा गया है, तो इन्हेंस हो जा रहा है तो इसीलिए इसको इमर्शन इन्हेंसमेंट कहा गया है। तो क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने इमर्शन का भी तुम्हें मतलब बता दिया कि उसको कोई मतलब नहीं होता है। तो चलो अब बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बाद यह कन्फर्म हो गया कि प्लांट हैव टू सिस्टम विच आर PS2 एंड PS1। तो प्लांट के पास कितने सिस्टम हैं, प्लांट हैव टू सिस्टम PS1 एंड PS2। तो कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ था पता चल गया, सबसे पहले देखा गया था कि हाँ भाई PS1 होता है और PS1 जो होता है वो उसको पता कर लिया गया, बस PS1 मिल गया। अब क्या किया गया कि PS2 को खोजा ही नहीं गया, सबको लगा देखो तुम ही बताओ प्राइमरली कौन सा आता है, PS1 की PS2 आता है पहले, नहीं सॉरी PS1 आता है पहले जबकि बाद में PS2 आता है। तो ये जो है तुम्हारे PS1 जो है ना ये लॉन्गर वेवलेंथ को खींचता है, किसको लॉन्गर वेवलेंथ को खींचता है, तो सबको लगा कि यही इसके वेवलेंथ है, नहीं लेकिन जब इससे कम भी करते हैं मतलब इससे बढ़ाते भी हैं तो भी कुछ काम करने वाले होते हैं। तो इसके बाद पता चलेगा कि दो होते हैं तभी तो बढ़ जाता है, जब एक साथ डाला गया तो बहुत ज़्यादा यील्ड हो गई थी, इसका मतलब कि कोई दो तो होते ही हैं, तो बस वही हो गया। और लॉन्गर वेवलेंथ को 680 के PS1 अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ PS1 PS2 में होता क्या है। तो देखो मान लो ना ये तुम्हारा PS2 है PS2 और ये तुम्हारा PS1 है, तुम्हें पता है PS2 पहले काम करता है PS1 से। तो PS2 पे मान लो फोटोन पड़े, तो चार फोटोन पड़े तो इसके वजह से यहाँ से मान लो कि चार इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, ये P680 होता है PS2 का रिएक्शन सेंटर, इसका P700 होता है रिएक्शन सेंटर, याद रख रहिएगा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। तो चार इलेक्ट्रॉन निकले कहाँ से निकले, अरे भाई चार इलेक्ट्रॉन निकलते हैं किससे, हाइड्रोलाइसिस से। तो हाइड्रोलाइसिस से चार इलेक्ट्रॉन ल्यूमेन से निकल के जाते हैं PS2 में। तो यहाँ पे मैंने गलत साइन बना दिया, यहाँ से यहाँ जाते हैं, कहाँ से जाते हैं, ये जाते हैं 4H+ O2 से, ये किससे बनता है, तो ये H2O से हाइड्रोलाइसिस से बन जाता है। बाकी ये आपके जो 4H+ है वो चले जाते हैं P700 पे, और यहाँ पे ये जो चार इलेक्ट्रॉन है ये चार इलेक्ट्रॉन फिर PS1 में आते हैं, इनके थ्रू यहाँ पे ये चार इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन यहीं पे ADP जो है उसी चार इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके ATP बना डालती है, और ये PS1 से फिर ये चार इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, कहाँ जाते हैं, प्राइमरी रिसीवर्स वगैरह पे जाते हैं जैसे PEA कहते हैं पी, तो यहाँ पे जाते हैं और A जो है ये तुम्हारा 4H+ आयन जो है ना इनके साथ आता है मिलता है, और ये पहले 2NADP होते हैं, बाद में चार इलेक्ट्रॉन और H+ मिल के यहाँ पे 2NADPH2 बना डालते हैं, ये बना डालते हैं। अब एसिमिलेटरी पावर क्या होता है, वो होता है ATP+NADPH2 और रिड्यूसिंग पावर होता है NADPH2। ये तुम्हें जानने की चीज़ है कि एसिमिलेटरी पावर
जो होता है वो होता है एसिमिलेटरी पावर इज इक्वल्स टू NADPH2 प्लस में ATP, वहीं जो रिडक्शन पावर होता है वो होता है तुम्हारा NADPH2 का। अब चलो मैकेनिज्म देखते हैं किसके, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का। तो पहले तो हम लाइट ही रिएक्शन देखते हैं। अब इसमें अपना साइक्लिक और नॉन साइक्लिक वो भी देखना है। आजकल मेरा फ़ोन बहुत गिर रहा है, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है, नज़र लग गई है। इसका कांच भी फूट गया। वेट वेट, एक मिनट मैं बस कांच फेंक के आता हूँ। ये फ़ोन का शीशा फूट गया। शिट मैन, ओह माय गुडनेस, जल्दी चलो शुरू करते हैं। तो मैकेनिज्म को शुरू करते हैं, तो अब मैं फ़ोन अपना अब यहाँ रखूँगा। चलो मैकेनिज्म को शुरू करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम शुरू करते हैं। देखो लाइट रिएक्शन के मैकेनिज्म को अगर हम पढ़ें ना, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेड स्कीम। क्या जेड स्कीम देखते हैं क्या होता है। तो देखो जेड स्कीम जो है उसको दिया गया था गिवन बाई हिल एंड बेंडल द्वारा दिया गया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हिल एंड बेंडल द्वारा दिया गया था SITB67 कॉम्प्लेक्स। ये क्या कहता है, तो देखो जब तुम थायलाकॉइड के अंदर में देखोगे ना, तो ये मान लो तुम्हारा थायलाकॉइड है और यहाँ पे तुम्हारा ल्यूमेन है, यहाँ पे तुम्हारा H2O होता है जो कि हाइड्रोलाइसिस करके यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन देता है प्लस 4H+ आयन देता है प्लस O2 देता है। तुम्हें दिख रहा है ना, दिखना भी चाहिए, अच्छी बात है। अब हम इसको पतला पेन यूज़ करते हैं और यहाँ पे देखो ये तुम्हारा आ गया तुम्हारा यहाँ पे PS1। मैं लिख देता हूँ PS1। अब देखो रुको हटाओ इसे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको अच्छे से लिखता हूँ PS1 कॉम्प्लेक्स और इसको जो है छोटा कर देता हूँ कुछ ऐसे। हाँ ये अपना आ गया PS1। अब ये PS1 जो होता है ना ये रिसीव करता है क्या, फोटॉन्स, ये कुछ ऐसे 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 और ऐसे चार फोटॉन रिसीव किया। अब चार फोटॉन रिसीव करने के बाद ये जो PE होती है क्या, PEA, इसे हम कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ये। तो ये जो होता है ना, अब यहाँ से चार इलेक्ट्रॉन PS1 लेता है, कहाँ से, ल्यूमेन से चार इलेक्ट्रॉन लेगा और इसे भेज देगा कुछ यहाँ भेज देगा, यानी यहाँ से गया यहाँ और यहाँ से गया यहाँ। अब यहाँ से गया डाउन, यहाँ पे देखो अब ये होता है तुम्हारा कुछ एक और नया चीज़, ये होता है CYTB67 कॉम्प्लेक्स होता है।
ये क्या चीज़ है ये आगे हम पढ़ेंगे, बस इतना जान दो यहाँ पे कुछ तो होता है और ये बीच में रास्ते में प्रेजेंट होता है तुम्हारा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है इसमें, फिर इसके थ्रू यहाँ पे तुम्हारा PS1 प्रेजेंट होता है। अरे यार ये तो PS2 है ना, इसको PS2 बना लो। यहाँ PS1 प्रेजेंट होता है, गलत हो गया यार, तो कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो ये तुम्हारा PS1 प्रेजेंट है। अब ये PS1 जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है इस पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार इलेक्ट्रॉन का ये भी लेन देन हो रहा है, याद रखे रहना चार इलेक्ट्रॉन। अब ये चार इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं किसके होते हुए, ये इसके होते हुए, ये क्या हो गया, PEA, यानी ये भी होते हैं तुम्हारे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये भी पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। और फिर ये जो होते हैं किसके साथ मिलके, एक सेकेंड जस्ट वेट अ मिनट, ये हो गया तुम्हारा। अब ये जो है ना, बस यहाँ याद रखे रहना कि यहाँ से अब चार इलेक्ट्रॉन जो आए रहते हैं वो किसके साथ, NADP के साथ मिलते हैं, और ये जो 4H+ निकले रहते हैं ये 4H+ मिलते हैं NADP के साथ, और इसके थ्रू यानी चार इलेक्ट्रॉन्स के होते थ्रू ये बना डालते हैं NADPH2, ये बना डालते हैं, और NADPH2 बना डालते हैं, 2NADPH2 बनाते हैं, ठीक है, 2NAD होता है, तो 2NADPH2 बना डालते हैं ये, बस ये हो गया ख़त्म। अब यहाँ पे देखो, ये जो तुम्हें मैंने बताया ये एक था नॉन साइक्लिक, ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस था। अभी देखते हैं वो क्या होता है। देखो तो मैं फिर से तुम्हें बता दे रहा हूँ, ये जेड स्कीम है, क्योंकि देखो कि तुम ना अगर एक्चुअल देखोगे तो एक्चुअल बनाऊँ तो ये तुम्हारा जेड टाइप में, ये तुम्हारा देखो एक ऐसे जाता है, रुको मैं ज़रा, यहाँ पे एक ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे जाता है, तो ये तुम्हारा जेड बन जाता है, ठीक है। देखो फिर से ऐसे 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 जाता है, ये देखिए, ये देखिए क्या बात है, मैंने स्टार बना दिया। तो चलो अब जो है मैं क्या करता हूँ, ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस था, मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। तो देखो PS2 एंड PS1 एंड NADP का अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ पोटेंशियल इन जेड शेप्ड मैनर में होता है, इसलिए जेड स्कीम कहते हैं हम। बेसिकली इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन तीन स्टेप में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, किसके किसके, तो पहला स्टेप है तुम्हारा बिटवीन H2O एंड PS2, किसके किसके, H2O एंड PH2 के बीच में, बिल्कुल। दूसरा मूवमेंट होता है तुम्हारा PS2 है ब्रो, PS2। फिर आता है तुम्हारा बिटवीन PS2 एंड PEA, फिर तीसरा स्टेप आता है तुम्हारा बिटवीन PEA एंड बस कॉम्प्लेक्स लिख लो, फिर चौथा जो है तुम्हारा बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड PS1, फिर पांचवा क्या आ जाएगा तुम्हारा बताओ, बिटवीन PS1 एंड PEA, फिर छठा जो हो जाएगा तुम्हारा वो हो जाएगा बिटवीन PEA एंड कहाँ पे NADPH2, ये हो गया तुम्हारा। ठीक, NADPH2 नहीं लिखोगे, NADP का जगह लिखोगे। अब क्या लिखते हैं, तो कितने अपहिल कितने डाउनहिल हुए, तो देखो यहाँ पे जब ये ऊपर गया तो एक अपहिल, फिर ये डाउनहिल हुआ, फिर डाउनहिल हुआ, फिर अपहिल हुआ, तो फिर से मैं बता रहा हूँ, तो एक अपहिल यानी अपहिल, फिर डाउनहिल, फिर डाउनहिल, फिर अपहिल, अपहिल, डाउनहिल, अपहिल, डाउनहिल, या फिर अगर तुम इसको पूरा एक ही स्टेप मानो तो ये हो जाएगा तुम्हारा कुछ अपहिल डाउनहिल, अपहिल एंड डाउनहिल, यहाँ पे डाउनहिल हो जाएगा।
ठीक है। तो कैसे डाउन है, तो ये जो है ये कुछ यहाँ से फिर ये नीचे जाते हैं ना, यहाँ पे जाते हैं NADP, तो ये भी डाउन हिल पर आ जाता है। तो ये हमने देख लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं किसको, फोटोसिस्टम के बारे में। फोटोसिस्टम के बारे में हमने देखा था, अब उसके बारे में ज़रा और देखते हैं। तो फोटोसिस्टम में अगर फिर से देखें तो देखो PS2 एंड ये PS1 है, इनके बारे में देखते हैं। तो देखो PS2 तुम्हें पता है कि ये शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट्स को ऑब्जॉर्व करता है, ये लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट्स को ऑब्जॉर्व करता है। ये रिसीव करता है किसको, इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम H2O ऑफ द ल्यूमेन, जबकि ये रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम PS2 से रिसीव करता है। अच्छा, इसका रिएक्शन सेंटर जो है वो P680 होता है PS2 का, जबकि इसका जो होता है वो रिएक्शन सेंटर इसका होता है P700। अच्छा, एक चीज़ और तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अकर हेयर ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। क्या, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, H2O होता है यहाँ पे, फोटोलाइसिस होता है किसका, वाटर का, बिल्कुल वाटर का फोटोलाइसिस यहाँ पे होता है। कैसे होता है तो आगे देखोगे। और इसके वजह से ये जो होता है वो 4H+ में एंड O2 में टूटता है और ये O2 जो होता है वो रिलीज हो जाता है, जबकि यहाँ पे तुम देखोगे कि कोई भी फोटोलाइसिस वगैरह नहीं होता है PS1 के पास। अच्छा, यहाँ पे NADPH2 नहीं बनता है, नॉट फॉर्म, यहाँ पे NADPH2 जो होता है वो बनता है, फॉर्म होता है। अच्छा, इनर साइड ऑफ ये थाइलाकॉइड के अंदर साइड में होता है, इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड या फिर ग्रेनल लैमली कह सकता हूँ, ये होता है आउटर ऑफ ग्रेनल लैमली। ये इन्वॉल्व होता है केवल साइक्लिक, अब ये देखो दो तरीके के रिएक्शन क्या होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, एक होता है साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक। अब यहाँ पे रिएक्शन का मेरा मतलब है फोटोफॉस्फोराइजेशन के बारे में, किसके बारे में, फोटोफॉस्फोराइजेशन। तो सबसे पहले मैं अगर स्पेलिंग लिखूँ ना तो ये कुछ ऐसे है, फोटोफॉस्फोराइजेशन कहते हैं, तो फोटोफॉस्फोराइजेशन कहते हैं इन्हें, मेरे ख्याल से लाइजेशन है फोटोफॉस्फोराइजेशन। तो देखो क्या होता है, तो ये होता है फॉर्मिंग ऑफ ATP फ्रॉम ADP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इन क्लोरोप्लास्ट, इसे कहते हैं फोटो यानी लाइट के प्रेजेंट में फॉस्फरस यानी ADP लाइजेशन, हाइड्रोलाइजेशन, एडिशन होता है किसका, फॉस्फोरस का। तो तभी तो एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट बनता है डाईफॉस्फेट से। तो एडिशन ऑफ फॉस्फोरस इज फोटो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या फिर इन क्लोरोप्लास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इसी वजह से फोटो और फॉस्फोलाइजेशन यानी कि एडिशन ऑफ फॉस्फोरस। तो देखो ये मैं इसका डिफिनेशन लिखूँ तो फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑफ इन क्लोरोप्लास्ट, इट इज़ ऑफ टू टाइप। देखो ये दो तरीके होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप, एक होता है तुम्हारा, ये होता है नॉन साइक्लिक, क्या होता है, नॉन साइक्लिक होता है, और यहाँ पे बी होता है तुम्हारा साइक्लिक। अब साइक्लिक नॉन साइक्लिक कहाँ होता है, देखो इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। देखो PS1 जो होता है ना तुम्हारा, PS2 जो होता है वो केवल नॉन साइक्लिक में होता है, जबकि साइक्लिक प्लस नॉन साइक्लिक में PS1 इन्वॉल्व होता है, नॉन साइक्लिक में PS2 एंड PS1 मैं लिख सकता हूँ, पर यहाँ पे साइक्लिक में अगर मैं लिखूँगा तो केवल PS1 लिखूँगा, केवल PS1 का ही इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ पे, ठीक है ना। चलो अब मैं बताता हूँ तुम्हें किसके बारे में,
तो अब बताता हूँ मेरे को तुम्हें फोटो फॉसिलाइजेशन के बारे में। इट इज़ ऑफ टू टाइप, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटो फॉसिलाइजेशन। तो बस कुछ नहीं यार, ये जो तुम्हें मैंने स्टेप बताया था ये है तुम्हारा नॉन साइक्लिक वाला फोटो फॉसिलाइजेशन। यहाँ पे तुम देख रहे हो ना, इसी के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, ADP से ATP आ जाती है। क्या आ जाती है? ATP आ जाती है। और वहीं साइक्लिक होता है जब ये एक्सेस ऑफ बन जाता है और यहाँ पे NADP नहीं बनता है, ताकि ये NADPH2 बन जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते नहीं हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स वापस से घूम के PS1 में आ जाते हैं, समझ रहे हो? तो बस वही होता है, उसके वजह से साइक्लिक प्रोसेस बन जाता है। जैसे कि अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ ना, तो डायग्राम कुछ यहाँ पे ऐसा होगा कि ये हो जाएगा तुम्हारा PEA, ये हो जाएगा तुम्हारा P680। अब बताओ P680 किसका है? तो PS2 का है। और यहाँ पे तुम्हारा होता है लगभग PEA, और यहाँ होता है तुम्हारा P700, यानी कि PS1, और बीच में तुम्हारा होता है ETS, वही CYT67 कॉम्प्लेक्स जो बोल रहा था मैं। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसका पाथ येलो हो जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ जेड स्कीम का फॉर्मेशन हो गया फिर से। ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, ये हो जाएगा तुम्हारा नॉन साइक्लिक प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट फ्रॉम H2O। अच्छा, यहाँ से तुम्हें पता है ना PS2 में H2O से आता है, तो H2O से चार इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें, तो H2O से लेके NADPH2 में जाएगा। अब ये PEA दे देगा किसे? NADPH2 PH2 में दे देगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, और दैट इज़ नॉन साइक्लिक। अच्छा, इसमें तुम याद रखे रहना, यहाँ पे क्या होता है ना, ADP इज चेंज टू ATP, यानी ATP का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे जो O2 रिलीज़ हुआ रहता है ना, उसको भी रिलीज़ हो जाता है, यहाँ पे O2 रिलीज़ हो जाता है, और यहाँ NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। नॉन साइक्लिक फोटो फॉसिलाइजेशन में दोनों फोटो सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि अब साइक्लिक फोटो फॉस्फराइजेशन का बात करूं, तो यहाँ पे तुम्हें PEA देखने को मिलेगा, यहाँ तुम्हें P700 देखने को मिलेगा, और ये PS1 हो जाएगा। यहाँ से लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट्स आती हैं, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता है चार इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ETS पे होते हुए ये चली जाती हैं, सॉरी ये आ जाती हैं, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे। यहाँ पे तुम्हारी जाती हैं चार इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी तुम्हारी आती हैं चार इलेक्ट्रॉन, तो PEA से डायरेक्ट NADPH2 के पास ना जाके वापस ETS के थ्रू आती है, और ये तुम्हारा जा रही है ATP का फॉर्मेशन फ्रॉम ADP। अब इसके बारे में बता देता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है फ्रॉम PS1 टू PS1, और ओनली ATP इज फॉर्म्ड। साइक्लिक फोटो फॉस्फराइजेशन जो होता है वो स्ट्रोमल लैमली में पाया जाता है। कहाँ पे? स्ट्रोमल लैमली में। तुम्हें पता है स्ट्रोमल लैमली कहाँ होता है? हाँ, तुमको मैंने स्ट्रक्चर में बताया था, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर थाइलेकोइड्स प्रेजेंट होते हैं, ये थाइलेकोइड्स प्रेजेंट हैं, तो ये एक दूसरे से स्ट्रोमल लैमली के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, स्ट्रोमल लैमली में PS2 एंड NADPH रिडक्टेज नहीं पाया जाता है, याद रखे रहना। ग्रेनल लैमली में दोनों PS2 एंड PS1 पाए जाते हैं। तो ये तुम्हारा होता है नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फराइजेशन स्टोमल लैमली के अंदर में, जो तुम्हारी ऐसे ऐसे होते हैं पाँच, इसके अंदर होता है साइक्लिक वाला, जबकि PS2 जो होता है नॉन साइक्लिक जो होता है ना, वो ग्रेनल लैमली में होता है, और उसमें दोनों PS2 PS1 पाए जाते हैं, जबकि स्टोमल लैमली में केवल साइक्लिक करना था, तो PS2 का इन्वॉल्वमेंट तो PS1 का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इसी वजह से वहाँ PS1 पाए जाते हैं और NADP नहीं पाए जाते हैं, ताकि ATP का फॉर्मेशन हो। बस यहाँ से हो गया काम ख़त्म, पैसा हजम। अब आगे जो है अगले लेक्चर में काम देखेंगे।